कटिहार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुखासन ब्रांच मैनेजर के मनमानी से तंग आकर स्थानीय लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। ऋण खाताधारी शोभा देवी ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नो ड्यूज के नाम पर उनसे रिश्वत ली गई। वहीं पेंशनधारियों ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों के साथ बैंक मैनेजर के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, साथ ही उन लोगों के खाता पर होल्ड लगा दिया गया है और लॉकडाउन की स्थिति में सरकार के द्वारा भेजे गए आपातकालीन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। देखें कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। आया तो बैंक मैनेजर को बोले तो बोला कि जो 10,000 आदमी मिलेगा रसीद भरवा करके जाते हैं तो बोलता है नहीं मिलेगा, जमीन का रसीद लाओ तब मिलेगा। जमीन का रसीद मांगता है? कौन मांगता है? मैनेजर। क्या बोलता है, रसीद नहीं लेके आओगे तो पैसा नहीं देंगे? नहीं मिलेगा। समस्या यही है, मेरा पति लोन लिए थे, उदांत काल हो गया, हम जमीन बेच के उसको लोन चुका दिए, नोटिस कागज है मेरा पास, सब चीज है। हम जब अपना पैसा 3 लाख रुपया रखे थे तो निकालने गए, 2 लाख तो निकाल लिए, 50,000 निकालने गए तो हमको क्या बोला, आप घूस दीजिएगा हम लोग का पैसा, हम तो काहे देंगे घूस। अच्छा ठीक है, 10 निकाले 50,000, उसमें हम 20,000 उसको दे दिए और 50,000 रुपया हमारा रह गया, 30,000 लेके हम घर चलाए, उसका 50,000 रह गया, 50,000 में लॉक लगा दिया, बोलता है कि तुम 20-30,000 रुपया यहाँ दो, उसका बाद तुम्हारा लॉक खोलेगा, नहीं खोलिएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं। लॉक क्या कहे, सबका इनऑपरेटिव है खाते, मतलब लेन देन अगर खाते में साल 2 साल से अगर ज्यादा अगर नहीं होता है लेन देन, मतलब पैसा निकासी और जमा दोनों होना चाहिए, 2 साल एक बार इनका यहाँ पर खाता लॉक हो जाता है, इनऑपरेटिव, मतलब पैसा निकासी नहीं होगा, पैसा जमा होगा मगर निकलेगा नहीं, तो कैसे इसका समाधान होगा? समाधान होगा, उनका नॉमिनी का फॉर्म भरना है, इनऑपरेटिव का आधार लिंक होता है, नॉमिनी का फॉर्म भरना है, जिसका पुराने खाता इमेज नहीं है, इमेज का अपलोड होगा, ये सब चीज करने का प्रोसेस है। अभी 5 स्टाफ का स्ट्रीम है, 5 में से सिर्फ 2 स्टाफ आते हैं। सर लोगों का आरोप यह है कि आप जो है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई अभद्र भाषा का, हम अगर अभद्र भाषा इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक हमको छोड़ेगी? और आपके ऊपर में जो है कि लोन माफी को लेकर के पीसी का जो कि आपकी तरफ से डिमांड किया गया है। क्या डिमांड किया गया? पीसी लिया गया है कि नो ड्यूज का पीसी लिया गया है जी। प्रूफ दीजिए हमको। प्रूफ है मेरे पास। दीजिए सर। है 1,000 हमारे तरफ से, 1,000 उसकी गुना हमारे तरफ से पैसा रहेगा उसको रहेगा, ठीक है, 1,000 गुना हमारे तरफ से पर्सनल, अपना पीएफ काट के मैं उसको दूंगा सर। जो भी है, महिला का कहना है कि मेरे हस्बैंड लोन लिए थे, प्रूफ देना चाहिए, लोन प्रूफ है उसके ऊपर, आपके ऊपर में मेरे पति लोन लिया था और जो है कि नो ड्यूज के करवाना था, जो आप जो है कि 50,000 का डिमांड किए थे जिसमें 20,000 आप ले चुके हैं। 50,000 का ले चुके, कौन सा खाता में पैसा, पॉकेट में रख लिया या खाता में डाला? नहीं उसका जो अभी भी पूरा ज्ञान रखा कीजिए ना सर, पूरा ज्ञान रखा कीजिए, पैसा पॉकेट में अपने पॉकेट में डाल दिया कि बैंक ने उसको पैसा उसके खाते में डाल दिया? तो बता रहे मेरे अकाउंट जो है कि लॉक कर दिया गया। प्रूफ लेके ले आइए, हम आपको दिखाएंगे, आपको प्रूफ है, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। सर खाता अपडेट को लेकर क्या समस्या बोल रहे हैं? खाता में पासबुक अपडेट नहीं हो रहा, सालों भर नहीं होता है सर, अपडेट नहीं हो रहा, बैलेंस निकासी जमा हो रहा है, बोला बहुत सालों तक अपडेट।